नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 77 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन शो द एपिनेफ्रिन रिवर्सल। एपिनेफ्रिन रिवर्सल क्या होता है दोस्तों? जो एपिनेफ्रिन के जो इफेक्ट है हार्ट के ऊपर, उसके उल्टे इफेक्ट देने वाला ड्रग हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्लोनिडीन, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन या फिर नेफाजोलिन। तो इसके लिए जो एपिनेफ्रिन रिवर्सल ड्रग्स होते हैं ना, वो अल्फा वन ब्लॉकर, खास करके सारे के सारे अल्फा ब्लॉकर की बात करेंगे हम। अल्फा ब्लॉकर जो है वो एपिनेफ्रिन रिवर्सल दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्फा ब्लॉकर बताइएगा। क्लोनिडीन है, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन और नेफाजोलिन यहाँ पे ड्रग है। तो ऑप्शन सी जो है ये अल्फा वन का ब्लॉकर है, तो अल्फा ब्लॉकर होने की वजह से ये एपिनेफ्रिन का रिवर्सल बताएगा दोस्तों, ठीक है। एपिनेफ्रिन जो यहाँ पे हमें इंक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिखाता है, तो उसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट में प्राजोसिन जो जब देने के बाद में हमें उस बीपी में लो दिखता है, लो बीपी दिखता है, ठीक है। तो ये इसका रिवर्सल इफेक्ट है, तो यहाँ से सही होगा। क्लोनिडीन की बात करेंगे, अल्फा टू का अगोनिस्टिक ड्रग होगा। प्रोप्रानोलॉल जो है बीटा ब्लॉकर होगा। प्राजोसिन अल्फा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर है और नाफाजोलिन जो है वो अल्फा का एगोनिस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे अल्फा एगोनिस्ट है ये अल्फा वन का खास करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नॉट सीन विथ। देखो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये एक एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, तो ये किसके साथ नहीं होगा बताना है। तो ऑप्शन में देखिए, लाबिटालॉल, गोनेथिडिन, प्राजोसिन और ये एटेनोलॉल, एटेनोलॉल, ठीक है। तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो एडवर्स इफेक्ट होता है दोस्तों। लैबिटोलॉल के साथ में देखा जाएगा इसे, ग्वानिथिडिन के साथ में कॉमन है और प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर के साथ में भी ये दिखा जाता है, लेकिन एटेनोलॉल जो बीटा वन ब्लॉकर है तो इसके साथ में ये नहीं दिखता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। लैबिटोलॉल जो है अल्फा वन बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ग्वानिथिडिन हमें पता है ये नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज है उस पर ये ब्लॉक करेगा, खास करके जो एक्जोसाइटोसिस होता है न्यूरॉन से जब वेसिकल से बाहर आते हैं वो नॉरएड्रेनालिन, तो उसे ये ब्लॉक करने का काम करेगा। और प्राजोसिन जो है वो अल्फा वन का ब्लॉकर है और एटेनोलॉल जो है वो बीटा वन का ब्लॉकर है। नेक्स्ट है, कॉमनली यही यूज़ किया जाता है एटेनॉल, बीपी के हाइपरटेंशन को कवर करने के लिए कॉमनली लेते हैं एटेनॉल को, एटेनोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉम्पिटेटिव अल्फा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट इज। देखो अल्फा का एंटागोनिस्ट बताइएगा, अल्फा ब्लॉकर बताना है जो कि नॉन कॉम्पिटेटिव हो, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में देखो, फिनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन, प्राजोसिन या फिर योहिमिन। तो यहाँ से नॉन कॉम्पिटेटिव जो अल्फा एंटागोनिस्ट है, अल्फा ब्लॉकर है दोस्तों, वो होगा ये फिनॉक्सीबेंजामाइन करके। तो ये वाला जो है ये नॉन कॉम्पिटेटिव अल्फा का ब्लॉकर होगा। नेक्स्ट ये फिंटोलामाइन, प्राजोसिन और योहिमिन, ये सारे के सारे कॉम्पिटेटिवली ब्लॉक करते हैं। ये योहिमिन जो है सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर होगा दोस्तों, ठीक है। योहिमिन सेलेक्टिव अल्फा टू का ब्लॉकर है ये, याद रखिएगा, अगर अल्फा टू ब्लॉकर पूछे तो। और अल्फा टू का एगोनिस्ट ड्रग कौन सा होगा? क्लोनिडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा। क्रोनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा, देखो क्रोनिक को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्रोनिक ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग बताएगा। ऑप्शन में देखो, पिलोकार्पिन, प्राजोसिन, जाइलोमेटाजोलिन या फिर टीमोलॉल। देखो जब आपको क्रोनिक पूछा जाए, क्रोनिक ग्लॉकोमा के लिए आप ड्रग ऑफ चॉइस करके टीमोलॉल को दीजिएगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर है टीमोलॉल, तो ये क्रोनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा में यूज किया जाएगा। और बात करेंगे एक्यूट ग्लॉकोमा की, तो ये पिलोकार्पिन होगा दोस्तों, ठीक है। एक्यूट की जब आएगी बात तो आपको पिलोकार्पिन को सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये प्राजोसिन अभी बोला था, ये अल्फा वन का ब्लॉकर होगा। जाइलोमेटाजोलिन ये नेसल ड्रॉप्स में यूज किया जाता है, अल्फा वन एगोनिस्ट होगा ये। और टीमोलॉल बीटा ब्लॉकर है, ग्लॉकोमा में यूज़ किया जाएगा लेकिन क्रोनिक, ठीक है, जो धीरे धीरे से हुआ ग्लॉकोमा है उसमें, और जो एक्यूट है एकदम से जो होता है ना उसमें पिलोकार्पिन को यूज़ करना है। नेक्स्ट है, अल्फा वन ब्लॉकर विच एक्सक्रीटेड इन फेसेस। देखो अल्फा वन ब्लॉकर ऐसा ड्रग बताइएगा जिसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो भी इनएक्टिव प्रोडक्ट्स है वो फेसेस में आ रहे हो, ऐसा कौन सा अल्फा वन ब्लॉकर होगा? ऑप्शन में दिया है, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन और अल्फ्यूजोसिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी, डॉक्साजोसिन जो है इसकी इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो है
वो फेसेस में पाए जाते हैं, ना कि यूरिन में। बाकी सारों के यूरिन में एक्सिट हो जाएंगे, जो भी इन्हें एक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद में वो यूरिन के तहत बाहर निकलेंगे, लेकिन डॉक्साजोसिन जो है वो आपको फेसेस में मिलेगा, ठीक है, स्टूल मैटर में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, या फिर उसे हाइपरट्रॉफी भी बोल सकते हैं, तो बीपीएच का ट्रीटमेंट करना है तो कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं, कैन बी डन बाय, इसका ट्रीटमेंट कौन से ड्रग से करोगे। ऑप्शन देखो टैम्सोल्यूसिन, फिनास्टेराइड, अल्फ्यूजोसिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं बीपीएच का जो अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप यहाँ पे अल्फा वन ब्लॉकर भी यूज कर सकते हो और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी यूज कर सकते हो। 5-अल्फा रिडक्टेज के इनहिबिटर के नाम आएंगे फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड जैसे ड्रग, और अल्फा वन ब्लॉकर में जोसिन और ये लोसिन ड्रग आएंगे। तो टैम्सोलोसिन, अल्फ्यूजोसिन ये अल्फा वन ब्लॉकर, और फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड जो है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ये 5-अल्फा रिडक्टेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर इसे इनहिबिट किया जाए तो ये हमें बी9 प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में यूजफुल रहेगा, फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये सारे ड्रग यहाँ पे यूजफुल है बीपीएच के मैनेजमेंट के लिए, तो ऑल ऑफ दिस सही करना है। लेकिन इसका मैकेनिज्म एक्शन देखिए, इस पर भी सवाल बना जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकता है कि अल्फा वन ब्लॉकर का मैकेनिज्म क्या है। ये टोन को डिक्रीज करता है, टोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और जो हमारा ब्लैडर का नेक है वहाँ पे उसकी टोन को डिक्रीज करने का काम करता है। हालांकि 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो है फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड वो साइज या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज करने का काम करता है प्रोस्टेट या फिर ब्लैडर नेक को, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है ड्रग्स मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोडायलेशंस आर, ब्रोंकोडायलेशन के लिए कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन में देखो अल्फा वन एगोनिस्ट, β2 एंटागोनिस्ट, β1 एगोनिस्ट या फिर β2 एगोनिस्ट एक्टिविटी। तो ब्रोंकोडायलेशन अस्थमा में यूज होने वाला ड्रग, ब्रोंकोडायलेशन कौन कराएगा, सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन जैसे ड्रग, और ये इनकी कैटेगरी क्या है दोस्तों, ये β2 के एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। β2 एगोनिस्ट जो है वो वैसोडायलेशन, ब्रोंकोडायलेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ड्रग आपने इस्तेमाल करना है β2 एगोनिस्ट, जिसमें सालब्यूटामॉल आ रहा है, टर्ब्यूटालिन जैसे ड्रग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है β1 एड्रेनोसेप्टर एक्टिवेशन कॉजेस, β1 रिसेप्टर का अगर एक्टिवेशन हो रहा हो तो कौन सा इफेक्ट मिलना चाहिए। ऑप्शन में देखो मैड्रियासिस है, इंक्रीजेस रेनिन रिलीज, इनिबिट द इंसुलिन रिलीज या फिर इंक्रीजेस द ग्लूकागॉन रिलीज। तो यहाँ से सही जवाब है β1 एड्रेनोसेप्टर के एक्टिवेशन के बाद में, यहाँ पे देखिए आपको ये रेनिन में इंक्रीज होगा, रेनिन रिलीज में इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी सही करना है। बाकी इफेक्ट के बारे में देखो, माइड्रियासिस ये अल्फा वन के एक्टिवेशन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन का रिलीज जो है कम होगा, ये अल्फा टू रिसेप्टर का एक्शन होगा, क्योंकि अल्फा टू रिसेप्टर जो होते हैं वो बीटा सेल जो पैनक्रियास के ऊपर होते हैं ना, बीटा सेल, तो वहाँ पे ये अल्फा टू रिसेप्टर होते हैं जिनका एक्टिवेशन होने की वजह से इंसुलिन की रिलीज में घट होता है, डिक्रीज होता है दोस्तों। और इंक्रीजेस द ग्लूकागॉन रिलीज जो है, ग्लूकागॉन का रिलीज बढ़ता है क्योंकि ये β2 रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है जो कि पैनक्रियास पे होते हैं β2 रिसेप्टर, ठीक है। ये सारे एक्टिवेशन के जो भी रिस्पॉन्सेस है आपको पता होना चाहिए कौन से रिसेप्टर से कौन सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हाँ दोस्तों, हमारी पार्मा नोट्स की जो PDF मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और जैसे ही आपका ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिसको आपको स्टडी बहुत ही आसान लगेगी और आप हमेशा दो कदम आगे रहोगे। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोनपे हुआ, गूगल पे हुआ या फिर पेटीएम हुआ। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648, इसी नंबर पे आपको ये ट्रांजेक्शन करना है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी ज़रूर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है मैच द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट विथ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो भी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है इस कॉलम में दिए हुए उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगले कॉलम में दिया है, इनको हमें मैच करना है। देखो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में दिया है एफिड्रीन, एम्फेटामाइन, फिनिलेफ्रीन, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मिक्स्ड एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग। तो यहाँ पे देखिए इनका जो मैचिंग करना है वो तो मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया है। एफिड्रीन जो है वो मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग होता है, एम्फेटामाइन इनडायरेक्ट होता है, फिनिलिफ्रिन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। अब इन चीज़ों को समझिएगा, डायरेक्ट यानी क्या, जो जो भी हमारा ये
एगोनिस्ट है, ये एक ड्रग की तरह काम करे जो रिसेप्टर पर जाके हमें जो भी एक्शन चाहिए वो मिले, है ना। तो ये जो है एज अ ड्रग काम कर रहा है रिसेप्टर के ऊपर, खुद ड्रग की तरह काम कर रहा है, रिसेप्टर को जाके चिपक रहा है और वहाँ पे जो एक्शन चाहिए वो हमें मिल रही है सेलुलर एक्शन। तो एज अ ड्रग अगर काम कर रहा है तो वो डायरेक्ट एक्शन होगा दोस्तों। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्शन की, तो इसमें क्या होता है, ये ड्रग जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके उसको क्वांटिटी को बढ़ा करके काम करता है इनडायरेक्ट, किसी दूसरे के हाथ से काम करवा ले रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर के पास से काम कर रहा है, खुद ड्रग की तरह एक्ट नहीं हो रहा है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसे वाले इनडायरेक्ट बोले, या तो वो उसका रिलीज को बढ़ाएंगे या तो उसका रीअपटेक जो है उसको वापिस जो जाने का रास्ता है वो बंद करेंगे ताकि इसका लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहे और हमें एक्शन मिलता रहे। अब मिक्स्ड एक्टिंग में क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों का मिक्स एक्शन मिलेगा, या तो ये जो ड्रग है इफेड्रिन ये खुद एक ड्रग की तरह काम करेगा जो रिसेप्टर पर जाकर के चिपक करके हमें सेलुलर एक्शन देगा, और ये साथ ही साथ में जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन इनको रिलीज करके, है ना, इनका रिलीज बढ़ा करके काम करते हैं या फिर उनका रिअपटेक को ब्लॉक करा करके काम करते हैं। तो ये मिक्स टाइप में इफेड्रिन आ जाएगा, सुडो इफेड्रिन आएगा, मेटरामिनॉल जैसे ड्रग आएंगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग में एम्फेटामाइन आएगा, कोकेन जैसे ड्रग आएंगे, टायरामाइन जैसा ड्रग आएगा, और डायरेक्ट एक्टिंग में फिनिलेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएड्रेनालिन जैसे ड्रग आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है री अपटेक ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन इज इनिबिटेड बाय, नॉर एपिनेफ्रीन अब रिलीज हो चुका है न्यूरॉन के बाहर, अब उसको जब अल्फा टू रिसेप्टर के द्वारा वो अंदर जाते हैं, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, यहाँ पे ये नॉरएड्रेनालिन है, यहाँ पे उसका रिलीज हुआ है और ये ऐसा यहाँ पे रीअपटेक होगा, यहाँ से अल्फा टू रिसेप्टर के पास से यहाँ पे रीअपटेक होगा, तो इस रीअपटेक को इनहिबिट करने वाला ड्रग बताइए। तो यहाँ पे देखो रिजर्पाइन, ग्वानेथिडीन, ब्रेटिलियम और कोकेन जैसे ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या है दोस्तों जो इस रीअपटेक को इनहिबिट करे, तो ये होगा कोकेन, ठीक है। बाकी ड्रग के बारे में देखेंगे, रिजर्पाइन जो है वो वेसिकल को ही ब्लॉक करता है, जैसे नॉरएड्रेनालिन इस वेसिकल के अंदर घुसना चाहता है, डोपामाइन के बाद में नॉरएड्रेनालिन वो जगह इस वेसिकल में स्टोर होना चाहता है, उस स्टोर को ही ये ब्लॉक कर देता है, उसको वेसिकल के अंदर जाने ही नहीं देता रिजर्पाइन, ठीक है। तो इसको याद रखो रिजर्पैन को ही अपेक करता है, रिजर्पाइन रिजर्पैन को ही अपेक करता है यानी वेसिकल पे, और ग्वानेथिडिन जो है इसके रिलीज को, ये जो रिलीज हो रहा है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, तो इसको ये इनहिबिट करता है। ब्रेटिलियम भी इसी कैटेगरी में आएगा, ये एक्सोसाइटोसिस को ब्लॉक करते हैं दोस्तों ग्वानेथिडिन, ब्रेटिलियम, और कोकेन जो है इसका जो री अपटेक है उसको इनहिबिट करके यहाँ पे इसका लेवल को बढ़ा के रखता है, ठीक है। तो ये कोकेन आएगा, इसमें एम्फेटामाइन आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखो पूछा है द ड्रग विच इनहिबिट्स द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 थायरोक्सिन का ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है, या फिर टेट्राआयोडोथायरोनिन का ट्राईआयोडोथायरोनिन में जो कन्वर्जन है उसको इनहिबिट कर रहा है एंड इज हाईली वैल्यूएबल ड्यूरिंग द थायरॉयड स्टॉर्म, थायरॉयड स्टॉर्म में काफ़ी वैल्यूएबल ड्रग है, ऐसा ड्रग बताना है हमें जो T4 का कन्वर्जन T3 में होने से रोकता है। ऑप्शन में देखो प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडिन, योहिम्बिन और बुटाक्सामाइन जैसे ड्रग दिए हैं, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए प्रोप्रानोलॉल, जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस में भी काम आता है, तो ये उसी का यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये T4 से T3 का जो कन्वर्जन है उसे रोकता है और थायरॉयड स्टॉर्म में ये काफ़ी वैल्यूएबल ड्रग है प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। नेक्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर बताइएगा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जिसकी वेरी वेरी शॉर्ट एक्शन हो ऐसा बीटा ब्लॉकर बताइएगा। ऑप्शन में देखो एसीब्यूटालॉल, नेबियोलॉल, एटेनोलॉल और ये इस्मोलॉल, तो ये ऑप्शन का सही टिक करिएगा ये डी ऑप्शन को, ये इस्मोलॉल जो होता है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है दोस्तों। अब इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा एक ट्रिक भी है यहाँ पे, स्मोक, स्मोक जब भी होता है ना तो ईजिली डिफ्यूज हो जाता है, जल्दी चला जाता है ना, इधर उधर चला जाता है स्मोक, तो ये इस्मो में स्मोक हमें याद दिखता है तो स्मोक तो जल्दी चला जाता है, तो इसी से याद रखिए ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, और ये इस है तो यानी कि इसमें एस्टर लिंक भी होता है, ये इस चलता है तो इसमें क्या पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एस्टर है, ठीक है, ये सारे बीटा वन ब्लॉकर है यहाँ पे, और इस्मोलॉल जो उसमें से जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोनिडिन जो होगा वो अल्फा टू का एगोनिस्ट होता है, योहिम्बिन अल्फा टू का एंटागोनिस्ट होगा, बीटाक्सामाइन ये बीटा टू का एंटागोनिस्ट होता है दोस्तों, ठीक है, बीटा टू का एंटागोनिस्ट होगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।